जय भीम, नवोदय, जय भारत, जय हिंद। साथियों साथियों, आज शाम को मैं डॉक्टर एम एल परिहार जी द्वारा लिखित बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक पुस्तक पढ़ रहा था। बहुत बेहतरीन, डॉक्टर साहब के जीवन पर आधारित, डॉक्टर साहब के जीवन से संबंधित हैं। पहली कि डॉक्टर साहब को बाबा साहब कब से कहते हैं और क्यों कहा जाने लगा। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर साहब की धर्मपत्नी माता रमाबाई का देहांत हो गया था, तो उनके देहांत के उपरांत डॉक्टर साहब ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और वहां पर वो रोते थे, बिलखते थे। इससे पहले उनके चार बच्चे उनका साथ छोड़ चुके थे। अब माता रमाबाई के जाने से वो अकेलापन महसूस करने लगे। अनुयायी और साथियों के आग्रह पर काफी दिनों के बाद जब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपना दरवाजा खोला, उनके साथियों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तो हमारे वैराग्यों जैसे लग रहे हैं। सिर के बाल उबड़ खाबड़ हो गए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े मटमेले थे, सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। साथियों और अनुयायियों के विशेष आग्रह पर वे अपने सिर के दर्द को सही कराने के लिए कैवल्य धाम संस्थान लोनावाला में गए और वहां पर उन्होंने अपना इलाज कराना शुरू किया सिर के दर्द का। इलाज के दौरान उन्होंने अपने सिर के बाल मुड़वाए, गेरुए रंग के ढीले वस्त्र पहने और हाथी और लाठी लेकर वो चलते थे। जब अनुयायियों ने उनको देखा तो उनको इस वेशभूषा और इस अवस्था में देखकर उन्होंने उनको बाबा साहब के नाम से संबोधित किया। साथियों, महाराष्ट्र में दादा, बाबा, बाला ऐसे शब्दों के साथ साहेब शब्द लगाकर पुकारा जाता है। यह शब्द सम्मानित और जो बुद्धिजीवी जो लोग होते थे उनके लिए लगाया जाता था। 1936 में प्रथम बार डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा गया और तभी से हम लोग उनको बाबा साहब के नाम से जानते हैं और पुकारते रहते हैं। साथ ही एक दूसरी घटना में बता रहा हूँ कि मार्च 1933 में जब डॉक्टर अम्बेडकर एक सभा को संबोधित कर रहे थे मुंबई में, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपनी दास्तां खुद मिटानी है, उसके अंत के लिए काल्पनिक ईश्वर या किसी अवतार का इंतजार मत करो। आपकी मुक्ति आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों में निहित है, ना कि तीर्थ स्थान और व्रत उपवासों में। शास्त्रों व पुराणों को पढ़ने से वे तुम्हें भुखमरी से नहीं बचा सकते। तुम्हारे पूर्वज यह काम सदियों से करते चले आ रहे हैं और आज भी फटे हालात में, तंग हाली में अपना जीवन गुजार रहे हैं। उनके घर आज भी अंधेरी कोठियों की तरह गंदे हैं, बदबूदार हैं, हर समय बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं और दवा के अभाव में आप लोग बेमौत मारे जाते हैं। कीड़े मकोड़ों जैसी तुम्हारी जिंदगी है। डॉक्टर अम्बेडकर अन्य सभाओं की भांति यहां भी दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक शक्तियां हाथ में लेने के लिए भी कहते थे। वो कहते थे किसी समुदाय या संप्रदाय की संख्या में अधिक होना यह ही समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज के उद्धार के लिए संगठित, चिंतक, शक्तिशाली, पढ़े लिखे, स्वाभिमानी और सफलता को कायम रखने वाले
लोगों की आवश्यकता होती है। अतः संख्या पर ध्यान न देते हुए आप लोगों को संगठित और बुद्धिजीवी बनकर अपना प्रतिनिधित्व और अपने अधिकार लेने के लिए कोशिश करते रहने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सारा जीवन गरीब लोगों के कल्याण और उनका हित को सर्वोपरि रखते हुए जो हो संभव हो सकता था वो किया। राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने कई बार देशवासियों को संबोधित किया कि किसी एक विशेष वर्ग को छोड़कर आप किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। किसी सफल राष्ट्र की पहचान होती है कि उसमें निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, कैसी भी दयनीय स्थिति में हो, जब तक वो उस स्थिति में है, सफल राष्ट्र के निर्माण कतई संभव नहीं है। राष्ट्र का निर्माण तभी सफल माना जाता है जब उसमें अंतिम पायदान में रहने वाला व्यक्ति राष्ट्र की मूलभूत सुविधाओं को भोगता हो। राष्ट्र की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जरूरतें हैं, उनका अपने जीवन में उपयोग करता हो। ऐसा तभी संभव है जब राष्ट्र और राष्ट्र में रहने वाले लोग समानता, आपसी भेदभाव, जाति द्वेष और धार्मिक कट्टरता से अलग हटकर एक समानता वाली सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हों। यह देश किसी एक व्यक्ति की या एक समाज की जमीन और जायदाद नहीं। इस देश में रहने वाला प्रत्येक प्राणी बराबर का अधिकारी है, चाहे वो राष्ट्रीय संपदा हो, प्राकृतिक संपदा हो या उसकी निजी संपदा हो, सब बराबरी के अधिकारी होते हैं। अगर राष्ट्र में हमें ऐसे राजनेताओं से, सामाजिक चिंतन से, धार्मिक आकाओं से यह अपेक्षा रखनी चाहिए कि वो समाज में विद्वेष की भावना ना फैलाते हुए समाज में एकता वाले और समान अवसर पैदा करने वाले नियम और कार्य करें, जिससे कि जो हमारा देश आज विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में है वो आने वाले समय में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाए। कट्टरता, किसी भी चीज की कट्टरता से हमें बचना चाहिए, चाहे वो सामाजिक कट्टरता हो, राजनीतिक कट्टरता हो या धार्मिक कट्टरता हो। जिस व्यक्ति में कट्टरपंथी विचार और कट्टरपंथी बातें आ जाती हैं वो दूसरे व्यक्ति के साथ सामंजस्य कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर पाता है। हमें ऐसी कट्टरपंथी विचारों से, कट्टरपंथी बातों से दूर रहना चाहिए और उन्हीं मार्गों पर चलना चाहिए जिन मार्गों से हमारे राष्ट्र का हित हो, राष्ट्र का हित सर्वोपरि हो। ऐसी आशा के साथ आज इस महत्वपूर्ण डॉक्टर अम्बेडकर के टॉपिक पर मैं अपने विचार यहीं समाप्त करता हूँ और समय समय पर इस पुस्तक लिखी हुई कई आवश्यक जानकारी आपको देता रहूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।